स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। और ये बुक है डीके भट्टाचार्य की। क्लास 9th की सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में कि कन्वर्ट करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको नॉर्मली जैसा डिवाइड किया जाता है हम वैसे डिवाइड करेंगे। डेसिमल लगाएंगे और यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। 11 8 जा 88 कितना आएगा 2। तो डेसिमल ऑलरेडी है यहाँ पे, ज़ीरो लगा लिया। 11 1 जा 11 कितना आया अगेन 90। फिर से कितने बार में 11 8 जा 88 अगेन 2 आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। तो 9/11 विल बी इक्वल टू 0.8181 डॉट 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 और 0.81 के ऊपर बार लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13/65। तो यहाँ पे देखो ये इजी है क्योंकि अभी ये पहले ना रिड्यूस होगा 13/65। 13 के टेबल में 1 टाइम में, 13 के टेबल में 5 टाइम्स में। और 1/5 का आपको पता है 0.2 आता है ना। 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, सबसे पहले डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 5 2 जा 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 0.2। थर्ड है 11/9, यानी 11 को करना है किससे, 9 से। 9 1 जा 9 कितना आया 2, डेसिमल लगा लिया तो 0। 9 2 जा 18 2 डेसिमल है तो 0 लगाया, फिर 9 2 जा 18 और ये प्रोसेस जो है अब कंटिन्यू चलता चला जाएगा। यानी 11/9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 1.222 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, या फिर 1.2 के ऊपर हम लगा देंगे बार। 13/55 है, यानी 13 को डिवाइड करना है किससे, 55 से। सबसे पहले डेसिमल लगा के 0 लगाया, 2 टाइम्स में कितना जाएगा 110, 20 आएगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे 0, तो 55 से कितनी बार में जाएगा तो 200 आना चाहिए। तो ऐसे ये जाएगा 3 टाइम्स में 165, कितना आएगा 35, डेसिमल है तो 0 लग गया। अब कितनी बार में जाएगा 6 टाइम में, 6 टाइम में कितना आएगा 330, फिर आएगा 200, फिर आएगा आपका 165, फिर आएगा 35, फिर आएगा 350, फिर आएगा 330। यानी कि यहाँ पे 36 36 36 ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। यानी कि 13/55 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 1.23636 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.236 के ऊपर बार। यानी ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट है कि कन्वर्ट करना है आपको द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो 1.125 के लिए सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे और जितना प्लेस के बाद डेसिमल है तो नीचे जीरोज लग जाएगा। यानी 1125/1000 हम इसको लिख सकते हैं। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में और 00 आ गया। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में। अब देखो डायरेक्ट 25 से ये जाएगा 8 टाइम्स में, या 25 से जाएगा ये 9 टाइम्स में। 25 का टेबल अगर आता है आपको तो ये हो जाएगा आपका 9/8। बस फ्रैक्शन में लिखना था, ठीक है। फिर 0.125 आप इसको लिख सकते हो 1.25/1000। 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम में 100 गया और एक 0 आ गया। फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 कितना आ गया फ्रैक्शन में 1/8। वैसे ही इसको भी करेंगे 75 और डेसिमल के बाद कितना है 1 2 3 प्लेस है, यानी 1000 इसके भी नीचे होगा।
यानी ये आपका 25 से 3 टाइम्स और 25 से 4 टाइम्स और 0 रह जाएगा, तो कितना आ गया ये फ्रैक्शन में 3/40। फिर है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज वल्गर फ्रैक्शन। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लेते हैं 0.4, तो ये डेसिमल का मतलब जो पॉइंट लगा इसका मतलब है ये रिपीटेड है, तो ऐसे करते हैं इसको यहीं पे ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या लेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 10। अगर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसे 10 इंटू एक्स और यहां पे 10 इंटू 0.444 डॉट डॉट ऐसे होगा, ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4.4444 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बुक में तो दिया है, एक मेथड आपके बुक में दिया है, एक मैं बता देता हूं सेकंड। एक मेथड आपके बुक में दिया है कि हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। जब आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दोगे यानी 10x इज इक्वल टू 4.444 डॉट डॉट और माइनस करोगे आप x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0.4444, तो ऐसे कंडीशन में आपका आएगा क्या, यहाँ 9x आ जाएगा और डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है ना सेम है कट जाएगी तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 आ गई। एक हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक बात बताओ आप, जैसे ये तो एक आ गया, ये तो आपका बुक का है और आपने देखा होगा, आप ये बताओ क्या इस वैल्यू को 4+0.444 लिखा जा सकता है या नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही काम आपको करना है और यहाँ कितना है 10x। अब एक बात बताओ मुझे कि 4 तो यहाँ ठीक है लेकिन 0.444 का क्या मतलब है, तो 0.444 का मतलब है आपका 0.44 किसके लिए लिया है आपने, x के लिए लिया है, तो यहाँ पे 0.444 जो बार बार आ रहा है इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो आप लिख लो। अब 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 यानी 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। दोनों ही मेथड इजी हैं, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका सेकंड वाला था 0.15, तो लेट x इज इक्वल टू 0.15 और रिपीटेशन है तो 15 15 15 लिख दिया। अब यहां पे दो डेसिमल प्लेस है, कितना डेसिमल प्लेस है, दो, एक नहीं है, और हमको मालूम है कि अगर देखो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 5 और यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो ये जो है सही नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x लिया है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करने पे इधर कितना आएगा 100x और इधर कितना आएगा 15.151515। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करो होगा क्या, आपका आएगा 100x माइनस x एक साइड आएगा और 15.1515 डॉट 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 माइनस 0.151515 इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका बचेगा 99x और डेसिमल के बाद की वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सेम है, तो बचेगा यहाँ पे आपका 15, यानी आप लिखोगे 99x इज इक्वल टू 15 या फिर x इज इक्वल टू 15/99।
थ्री के टेबल से 5 बार में, 3 के टेबल से 33 टाइम्स, यानी आंसर आएगा 5/33। एक और इसमें रह गया है 0.473 है, तो यहाँ पे ना पूरे पे बार नहीं है, 4 पे नहीं है, 7/3 पे बार है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन में आप देख लेना, और तीनों पे होता तो भी आप कर लोगे इसी मेथड को अप्लाई करके। लेट x इज इक्वल टू 0.473 7373 7373। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हमको फिर से क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 7373 चाहिए ना, तो पहले हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 एक ही बार है, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया आपका 4.7373 और 73। अभी भी बात नहीं बनेगी, अब ये हुआ हमारा पहली बात, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो रिपीटिंग में आए, बार बार आए, तो ऐसा करने के लिए हमको 73 पेयर में है, 73 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से बाई 100, ऐसे कंडीशन में 110 जा 1000x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4.737373 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 4.73 माइनस 4.73 कितना आएगा, 1000 में से 10 जाएगा तो यानी 990x आएगा, और यहाँ कितना आना चाहिए 470, और पॉइंट के बाद तो सारा खत्म हो गया, तो 473 में बस 4 माइनस करो यानी 469। एक्स इज इक्वल टू 469/990, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, तो लो उसको भी लिख ही लो पहले, एक्स की वैल्यू इक्वल टू, हाँ ठीक तो लिखा था, सॉरी शक्तिमान, 990, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली तो आ ही गया था, यहाँ आ गया था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिखाना है कि शो दैट √5 इज रैशनल नंबर, क्या दिखाना है आपको कि √5 एक रैशनल नंबर है, कैसे दिखाओगे आप इसको, अच्छा रैशनल है वो इरैशनल नंबर है ये दिखाना है, तो रैशनल होता तो क्या होता, तो हमको ये दिखाना है कि ये रैशनल है तो, अरे इरैशनल है तो हम इसको मान लेते हैं रैशनल। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल, चलो भाई मान लिया, आपने कहा इरैशनल है कि नहीं है दिखाना है, तो पहले कोई एक तरफ मान लेते हैं, चलो मान लिया कि ये रैशनल है, अगर मान लिया ये रैशनल है तो रैशनल नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा, a बाई बी के या p बाई क्यू लिख लो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, और a और b कैसे हैं, को प्राइम है, यानी को प्राइम में फैक्टर क्या होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। हम अब क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने वाले हैं, तो बहुत लोग कहेंगे कैसे करना है, तो भाई लो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इधर भी और a बाई बी के इधर भी, यहाँ आ गया 5 और इधर आ गया ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर के इक्वल में कौन है, 5b स्क्वायर है, इसका मतलब ये डिवीजन वाला हमारा क्या कहता है इस तरीके से कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को,
यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 इंटू बी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, यानी 5 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर, एज वेल एज अगर ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए डिवाइड हो रहा है तो यानी ए भी डिवाइड होगा एज वेल एज ए। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, 5 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को। अब आगे चलिए, 5 अगर डिवाइड कर रहा है ए को तो फिर लेट ए इज इक्वल टू, मान लो कि ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी। ये देखो कई बार ना लगता है कि जैसे नहीं समझ में आ रहा है, हम बताते हैं आपको। मान लो कि ये ए है, 5 से जा रहा है, सी टाइम्स में कोई वैल्यू आई होगी, मान लो ए ही आ रहा होगा और खत्म हो जा रहा होगा, तो यानी कि हम ए के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर। अब बात समझ में आई, ठीक है, लिख सकते हैं। मान लो 5 से ये a डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 5 से a मान लो कि c टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं ना, मैंने वही लिख दिया। अब यहाँ पे a इक्वल टू 5c लिख दिया, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग किया तो a का स्क्वायर और इधर 5c का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। अरे भैया a स्क्वायर की कुछ वैल्यू थी क्या, हाँ कितनी थी 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 वन ज़ा 5 फाइव ज़ा कटेगा ही, यानी बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अरे याद करते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आता है इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है डिवाइड करता है किसको, बी स्क्वायर को, देयरफोर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एज वेल एज किसको डिवाइड कर रहा है, बी ऑल्सो। जब किसी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा ही। सेकेंड वाला, अब यहां देखो, देयरफोर फ्रॉम 1 एंड 2 ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, है ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, देयरफोर रूट 5 इज इरेशनल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आओ बच्चा हम तुमको समझाते हैं, हम तुमको समझाते हैं कि ये जो a अपॉन में b है ना, इसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तुमने यहाँ पहले पॉइंट में देखा कि 5 डिवाइड कर सकता है a को, फिर तुमने सेकेंड पॉइंट में प्रूफ किया कि 5 डिवाइड कर सकता है b को, यानी a और b के पास 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कौन आ गया, 5, और जो कि बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमने जो फैक्ट लिया, तथ्य लिया, रैशनल मान के चले इसको, ये गलत बात थी, और अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल है। बस इतनी छोटी सी बात थी, शो करना है हमको कि 2+√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब इरैशनल प्रूफ करना है। लेट 2+√2 बी रैशनल, देयरफोर 2+√2 शुड बी इक्वल टू ए बाई बी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देयरफोर रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस 2, अब ये आएगा कितना, ए प्लस 2b बाई बी आएगा, यही ना आएगा। तो अब एक बात बताओ, या फिर ये स्टेप अगर ना लिखें तो भी,
सिर्फ इतना लिखें, तो ये a बाई बी एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हाउएवर वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। अब यहां पे इतना बड़ा सा रूट टू को प्रूफ तो करेंगे नहीं, हमको मालूम है कि रूट टू इज इरेशनल, वेयर एज इट इज इक्वल टू a बाई बी प्लस टू विच इज रैशनल, है ना, ठीक है। हाउ एवर वी नो दैट रूट टू जो है इरेशनल है, और जबकि वो इक्वल है किसके, a बाई बी प्लस टू के, विच इज रैशनल। तो देयर फोर इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 2 प्लस रूट टू इज रैशनल, तो देयरफोर इट इज इरेशनल। तो कैसा है वो नंबर, इरेशनल। अरे भाई देखो, हमको पता है कि रूट टू होता है इरेशनल, a बाई बी प्लस टू क्या है रैशनल, और दोनों कैसे आ गए, इक्वल में आ गए, है ना। तो रूट टू इरेशनल इक्वल हो गया रैशनल के, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल है, हमने जो माना है ये हमने माना ही गलत है। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी आएंगे, रूट टू प्लस रूट थ्री वाले में, तो लेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू यहां नहीं लिखें, अभी लिखें बी रैशनल, मान लिया रैशनल, तो देयर फोर रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी होगा। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा आपको, रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायरिंग करके भाई, और ए बाई बी का स्क्वायरिंग करके, बताओ क्या मिलेगा, टू टू जा फोर, नहीं टू ही मिलेगा ना यार, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी टू रूट सिक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फाइव, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे। हाउएवर हमें क्या पता है, हाउएवर टू रूट सिक्स इज, हाउएवर टू रूट सिक्स वी नो दैट इट्स इरेशनल एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फाइव विच इज रैशनल, देयरफोर इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, भाई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, विपरीत हो गया, है ना। तो देयरफोर रूट टू प्लस रूट थ्री इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नहीं है, तो देयरफोर रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नहीं है तो फिर कौन सा नंबर है, इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ वाला भी, इसमें भी वही काम करना है, लेट रूट थ्री माइनस रूट टू बी रैशनल, तो देयर फोर रूट थ्री माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, तो देयर फोर therefore नहीं, अभी क्या करेंगे, by squaring करेंगे, squaring both sides, root 3 minus root 2 का whole square is equal to a by b का whole square, क्या मिलेगा आपको, a square plus b square minus 2ab is equal to a square upon b square, कितना आ गया, 5 माइनस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन
एक रैशनल नंबर से और एक रैशनल नंबर का एडिशन एक रैशनल नंबर से, आंसर में भी क्या आएगा? रैशनल आएगा। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर बुला लो, 2√6 को उधर रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज लिख दो, हाउएवर वी नो दैट 2√6 इज इरेशनल एंड इज इक्वल टू 5 - a² / b² विच इज रैशनल। तो देयरफोर इट कॉन्ट्राडिक्शन। क्या चीज कॉन्ट्राडिक्शन? और ये समझ में आ रहा है, एक रैशनल किसके इक्वल हो जा रहा है? इरेशनल के, यही कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो देयरफोर √3 - √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और जब वो रैशनल नंबर नहीं है तो देयरफोर इट्स इरेशनल नंबर। यही कहानी है पूरी। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। इरेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? पहला है 1 और 3 के बीच में, तो इरेशनल नंबर इनके बीच में हो जाएगा √1 × 3, यानी कि √3 जो वैल्यू आएगी वो क्या है? वो इरेशनल वैल्यू है बिटवीन 1 और 3, यानी कि 1 √3 और फिर 3। तो ये रही आपकी इरेशनल वैल्यू। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए बिटवीन 1 और 2, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा इनके बीच में? √1 × 2 होता क्या है? √a × b, यानी कि √ab। तो यहां पे भी क्या आ गया? √2। इरेशनल नंबर इनके बीच में। सेकेंड है आपका 3 और 4, तो थर्ड वाले में, 3 और 4 वाले में होगा √3 × 4, कितना आ जाएगा? √12। 12 में भी 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2√3। ये क्या है? इरेशनल नंबर है बिटवीन 3 और 4। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। यहां पे क्या हो जाएगा? और लिख दो। तो बिना एक्चुअली आपको डिवाइड किया आपको बताना है। एक बात बताओ, यहां कितना आएगा? 11/25 × 2। अच्छा, आपको पता है एक 5 का और एक 2 का मल्टीप्लाई करने पे एक 0 आ जाता है, यानी 10 हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? 11/5 का तो पावर 2 है और 2 पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे 2 का पावर 1 ऊपर और 2 का पावर 1 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में 11 × 2 = 22 हो जाएगा और नीचे में 5² × 2² यानी कि 22/1000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। देख ही सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक में कैसे दिया हुआ है कि सेंस जो डेनोमिनेटर है इज इन फॉर्म ऑफ 5 × p × 2 / q, तो देयरफॉर इट्स टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट तभी होगा जब या तो 5 का पावर रहे या तो 2 का पावर रहे। 5 और 2 दोनों का पावर रहे तो भी टर्मिनेट होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 8 × 7 = 56, 2³ × 7 आ गया। तो यहां पे जो डेनोमिनेटर है आपका इज नॉट इन
फॉर्म ऑफ 2 क्यूब इंटू 5 पे पावर 0 अलोन, अकेला है ना, तो देयर फोर इट्स रिकरिंग, या फिर कह सकते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये जल्दी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं। 48 अपॉन में 300, इसमें भी वही चीज होगी, अब यहां पे कितना है आपका 300, तो लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 300, यानी 3 इंटू 100, यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, सिंस इट हैज, इट की जगह पे हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं, सिंस डिनोमिनेटर हैज अदर प्राइम फैक्टर देन 2 एंड 5, तो देयरफोर इट्स रिकरिंग, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, या तो 2 या तो 5, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। यहां पे भी आप देखो तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 160, यानी 2 का पावर 5 32 इंटू 5। अब यहां देखो सिंस इट हैज फैक्टर एज 2 एंड 5 ओनली, तो देयरफोर इट्स टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि यहां बात करें तो यहां पे डिनोमिनेटर कितना जा रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर जा रहा है 11 इंटू 5 55, तो सिंस इट हैज डिनोमिनेटर इट्स सिंस इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर, या फिर कह सकते हो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, तो देयरफोर इट्स रिकरिंग, कैसा डेसिमल है ये, रिकरिंग डेसिमल, आप पूरा लिख लेना। अब यहां पे इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला है आपका 1.6 पे बार है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1.666 डॉट डॉट, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो 10x इज इक्वल टू 16.6666। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड वाला है, अब क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, यानी 10x में से x जाएगा और इधर 16.666 में से 1.666 इसको हम लोग माइनस कर देंगे। कंफ्यूजन है तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो, डेसिमल के बाद की वैल्यू, डेसिमल के बाद की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आएगा आपका 9x इज इक्वल टू 16 माइनस 1, यानी 15, x की वैल्यू 15/9, यानी कि 3 5 3 3 कितना आ गया 5/3। सेकेंड वाला है 0.16 पे बार है, तो लेट 0.16 के लिए लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू 0.16666, कितना आ जाएगा ये, इसको करने के लिए पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10x के इक्वल में कितना आएगा 1.666 आ जाएगा, और इसको फर्स्ट ले लेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा और इधर 16.666 आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही काम होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यानी 100x, फर्स्ट में देखो 10x है, ये x मत लगा देना,
है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ वन है, यहाँ डेसिमल के बाद सिक्स है, और इस वाले में भी डेसिमल के बाद सिक्स है। तो कितना माइनस करेंगे, 16.666 माइनस 1.666, ये आपका आएगा 90x इक्वल टू डेसिमल के बाद की वैल्यू कट जाएगी 16 माइनस 1 15, एक्स की वैल्यू 15/90, 15 1 15 6 जा कितना आ गया 1/6। ठीक है, कितना था इसमें, एक 1.6 था, 0.16 था, फिर एक और था 0.24 पे बार। तो लेट एक्स इक्वल टू 0.242424, तो देयर फोर 100x की इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24.242424। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो डेसिमल के बाद 2424 है तो फिर कोई दिक्कत, सेकंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24.2424 में माइनस करेंगे 0.2424, डेसिमल के बाद की वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, कितना आएगा इधर 24 और इधर 99x, एक्स की वैल्यू 24/99, 3 8 जा 3 33 जा, आंसर कितना आया 8/33 चेंज हो गया आपका ये वल्गर फ्रैक्शन में। इसके बाद क्या है, फोर्थ वाले में था 33 तो ठीक है, एक फोर्थ वाला था ना जिसमें था कि 1.38 पे बार था, ठीक याद आ गया, तो 1.38 पे बार है। तो लेट एक्स इक्वल टू 1.3888, ये इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी किसकी है, कौन बार बार ऑकर कर रहा है, 8, तो पहले डेसिमल को यहाँ तक लाना होगा, तो पहले करेंगे 10x तो आ जाएगा 13.888। ठीक है, ये तुम लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 है ना, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, तो 10x में इतना आ गया। अब इसको फर्स्ट बनाएंगे, अब सेकंड इसको नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों को नहीं कर सकते, क्या डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 8, तो हमको यहाँ पे फिर से इसको लेना पड़ेगा। तो 100x अगर इधर होगा, 10 से और मल्टीप्लाई किए, 10 10 100, और 10 से और मल्टीप्लाई किए तो 138.888 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये हो गया आपका सेकंड, अब क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 138.888 माइनस 13.888, डेसिमल के बाद की वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, 138 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 125, और इधर कितना आएगा 90x, x की वैल्यू 125/90, यानी कि 525 जा और 5 से 18/95 होता है ना, हाँ 18/95 होता है, तो कितना आ गया 25/18 पी वाई क्यू के फॉर्म में। अभी आपका क्वेश्चन है 11th वाला, इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप एलसीएम लो, किसका, ऑफ 5 15 30 10 का, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो आपका 30 ही रह जाएगा, तो हम यहाँ पे एलसीएम लिए, यहाँ 30 हो गया 5 से 6 टाइम में, तो 6 टू जा 5 से कितने टाइम में 6, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई, 15 से 2 टाइम में 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 30 1 टाइम में 1 मल्टीप्लाई, 10 3 टाइम में तो 3 मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 7 2 जा 14, 13 और ये 9 आ गया।
अब आपको बताना है, देखो सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है ना। तो अब आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा क्या करना है, एसेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, नाइन वाला, नाइन वाला यानी कि 3/10। अब 3/10 उसके बाद कौन बड़ा है, 9 के बाद 12 आता है यानी कि 2/5। फिर कौन है 2/5 के बाद, 13 वाला है, 13 यानी कि ये 13/30 वाला। और फिर सबसे बड़ा कौन होगा, असेंडिंग में लिखना था ना हम लोगों को, तो 14 वाला यानी कि 7/15। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी एलसीएम लेना होगा। तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ 3, 11, 22, 9 कितना आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा ना आपका 198 आएगा, क्योंकि देखो 11 22 में ही आ जाएगा, 3 9 में ही आ जाएगा। तो 9 × 22 कर दो बस, 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 18 = 19, 198 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम लेते हैं 198, तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 66 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × 66। 11 से कितनी बार में जाएगा, 18 टाइम्स में, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई होना होगा। 22 से 9 बार में तो 5 9 जा होगा, और 9 से 22 टाइम में तो 13 × 22 करना पड़ेगा। कितना आएगा 66, 126 यही होगा ना, 126, हाँ। फिर 45 और फिर 13 × 26 = 6, 13 × 26 = 28। अब इसमें देखो क्या करना है, आपको डिसेंडिंग में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला यानी 286 वाला यानी 13/9 सबसे पहले, उसके बाद 126 वाला यानी कि 7/11 वाला, फिर उसके बाद 66 वाला यानी 1/3 वाला, और सबसे छोटा बेचारा कौन है 5/22। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।